स्वागत है आप सभी का खबरगांव शहर में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। चलिए नजर डालते हैं खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। किसान आंदोलन 12वें दिन भी जारी, कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, विरोध में किसान सिंगू सीमा पर डेरा डाले हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 8 दिसंबर यानी मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया। किसानों और केंद्र सरकार के बीच अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगू बॉर्डर जाएंगे। बता दें इस दौरान उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद होंगे। सीएम केजरीवाल वहां किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लेंगे। पंजाब के खिलाड़ी और कलाकारों ने ऐलान किया है कि वे आज अवार्ड वापसी करेंगे। ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि कानून वापस नहीं हुए तो वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वापस करेंगे। जयपुर में बीती रात नाइट कर्फ्यू के दौरान पथराव का मामला सामने आया। ये पथराव रामगंज इलाके के दो पक्षों में हुआ जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल रामगंज क्षेत्र में शांति बहाल है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान के भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया, साथ ही कहा आरएलपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होगी या नहीं इस पर 8 दिसंबर के बाद फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए सीएम योगी भी आगरा पहुंचेंगे। इनॉग्रेशन के बाद मेट्रो के पिलर के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये सभी इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं। लंबे वक्त से इन्हीं के लिए ऑपरेशन चल रहा था। कोरोना के बाद आंध्र प्रदेश में एक रहस्यमय अज्ञात बीमारी फैल गई है जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है। बीमारी से एक की मौत जबकि 350 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। किशनगढ़ में टवेरा और ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई, हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तीनों व्यक्ति रूपनगढ़ शेखावती के ढाणों के निवासी बताए गए। तीनों घायलों को रूपनगढ़ हॉस्पिटल से यज्ञनारायण चिकित्सालय किशनगढ़ ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान तीनों घायलों को अजमेर रेफर किया गया। लॉयंस क्लब पिंडवाड़ा द्वारा निकटवर्ती बड़ली ग्राम पंचायत के वागदरी ग्राम में सर्दी से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल और बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। क्लब अध्यक्ष लायन महेश दानचारण ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी ऊनी वस्त्रों का वितरण हुआ। इस शिविर में 10 वर्ष तक की आयु के लगभग 200 बालक बालिकाओं को ऊनी वस्त्र दिए गए, साथ ही क्लब द्वारा 100 वृद्ध जनों को ऊनी कंबल भेंट किए गए। करौली के दहमोली गांव निवासी एक युवक शादी के दूसरे दिन दुल्हन को छोड़ घर से अचानक लापता हो गया। 9 दिन बाद लापता युवक को गांव के कुएं में शव तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उपखंड स्तरीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम अंबेडकर सर्किल पर रखा गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया गया। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि समेत कई लोग मौजूद रहे।
जालौर के भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि का आयोजन किया गया। प्रांत मंत्री मोहन लाल देवासी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संवैधानिक रूप दिया जिससे समानता लाने के प्रयासों को सफलता मिली। रामदेवरा में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 का आयोजन किया गया। रामदेवरा क्षेत्र के समस्त मतदान बूथों पर विधानसभा मतदाता सूची के अद्यतन को लेकर यह अभियान हुआ। मतदान केंद्रों पर संबंधित बीएलओ ने अपने एचमेंट एरिया में ऐसे पात्र व्यक्ति जो मतदाता सूची से वंचित थे उनके नाम जोड़ने के आवेदनों के साथ ही मतदाता सूची में मतदाता की प्रविष्टि में संशोधन की प्रक्रिया हेतु आवेदन लिए। जोधपुर के तिमरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। अंबेडकर उद्यान में आयोजित हुए कार्यक्रम में ग्रामीणों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भीलवाड़ के जहाजपुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह से लौटते वक्त मारुति वैन और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन लोग घायल हुए। बारा जिले के खेलवाड़ा में रविवार को अनोखी शादी हुई जिसमें कोविड-19 सेंटर पर दूल्हा बारात लेकर पहुंचा। पीपीई किट में दुल्हन के साथ साथ फेरे लिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चौथे चरण के चुनाव आज हो रहे हैं। मतदान लगातार जारी है। आज 249 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 7 लाख से ज्यादा मतदाता तय करेंगे। चौथे चरण में 34 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। इनमें से 17 सीटें जम्मू मंडल में और 17 कश्मीर में हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की औपचारिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। ऐसा करने वाली यह पहली स्वदेशी कंपनी बनी। बता दें, इससे पहले फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी थी। कोविड-19 के संक्रमितों के मामले में इस दवा को खासा प्रभावकारी माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा 1 दिन के लिए रद्द किया गया। नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा अब 9 दिसंबर को होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 32,981 मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 96,77,203 हुई। अब तक 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक के लिए खबरगांव शहर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जीपीके न्यूज़। नमस्कार।